अस्सलाम वालेकुम, एसकेएन किचन में आप सभी का वेलकम है। आज हम बनाने वाले हैं वेरी टेस्टी, वेरी यम्मी एंड वेरी डिलीशियस रेसिपी। बच्चे बड़े सभी को पसंद आए ऐसी रेसिपी है। तो फ्रेंड्स, हमने खाई है चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, एग बिरयानी, तो चलिए आज बनाते हैं हम प्रॉन्स बिरयानी। तो चलिए फटाफट से चलते हैं प्रिपरेशन की तरफ। तो यहाँ ले लिया है हमने एक बाउल, इसमें हम ले लेंगे बासमती चावल, लंबे और पतले दानों वाला। इससे बिरयानी जो है बहुत अच्छी बनती है और टेस्टी बनती है। तो फ्रेंड्स, इसे सबसे पहले हम वॉश कर लेंगे। इसे हम हाथों की मदद से रब करते हुए चावलों को वॉश करेंगे और आराम से वॉश करेंगे ताकि हमारे चावल जो है वो टूटे ना। तो देखिए, हमने चावलों को अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे गुनगुना पानी, इससे जो चावल है वो और भी लंबे लंबे बनेंगे। तो इसे हम मैरिनेट करके 2 घंटे के लिए रख देंगे। तो यहाँ ले लिया है हमने प्रॉन्स यानी कि झींगा, और इसे अच्छे से हमने साफ कर लिया है। और इसे अब मैरिनेट करने के लिए हम डालेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, और इसमें डालेंगे 1/2 नींबू का रस, और इसे अच्छे से निचोड़ लेंगे। और इसे मैरिनेट करके हम 1/2 घंटे के लिए रख देंगे, और तब तक चलेंगे हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ और हाथों की मदद से इसे अच्छे से हम मिला लेंगे। तो यहाँ पर हमने एक पैन ले लिया है, इसमें डाल देंगे हम 3 बड़े चम्मच ऑयल, मीडियम साइज के 3 तेज पत्ता डाल देंगे, 2 हरी इलायची, 3 लौंग, 1 बादियान के फूल, 3 दालचीनी के टुकड़े और 2 मीडियम साइज के प्याज को इस तरह से हमने बारीक चॉप कर लिया है। और इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर हम सुनहरा होने तक भून लेंगे। इसमें डालेंगे हम 2 बड़े चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट, इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज के टमाटर की प्यूरी, और मीडियम फ्लेम पर इसे हम अच्छे से भून लेंगे। इसमें डालेंगे सूखे मसाले, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, इसमें डालेंगे 1 टीस्पून बिरयानी मसाला। आप जो चाहें वो बिरयानी मसाला इसमें ऐड कर सकते हैं। इसे अब हम अच्छे से भून लेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर। और अब इसमें डाल देंगे हम हमारे मैरिनेट किए हुए प्रॉन्स, और इसे हम हाई फ्लेम पर कंटिन्यूसली चलाते हुए भुनेंगे। तो यहाँ पर हमारे प्रॉन्स जो है वो भुन चुके हैं। इसमें हम डालेंगे 1/2 गिलास जितना पानी ताकि जो हमारे प्रॉन्स है वो अच्छे से पक जाए, और मीडियम फ्लेम पर ढककर इसे हम 7 मिनट के लिए पकाएंगे। और चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ एक बड़े से बर्तन में हमने ले लिया है पानी, इसमें डाल देंगे हम 2 लौंग, 2 दालचीनी के टुकड़े, 2 मीडियम साइज के स्टार फूल, इसमें डालेंगे 2 हरी इलायची, 2 तेज पत्ता, 1 हरी मिर्ची, इसे इस तरह से तोड़ लेंगे। इससे बिरयानी का खुशबू जो है चावलों में वो अच्छा आता है। इसमें हम 1/2 नींबू का रस डाल देंगे, और इसके छिलके को भी साथ में डाल देंगे। इसमें डाल देंगे 2 बड़े चम्मच नमक, और जो बिरयानी के चावलों को सोख करके रखा था 2 घंटे के लिए उसे भी डाल देंगे, और अच्छे से मिलाएंगे। इसमें अब हम डाल देंगे शाहजीरा 1/2 टीस्पून, और इसे ढककर पकाएंगे। तो फ्रेंड्स, देखिए किस तरह से उबाल आ चुका है। तकरीबन हमारा चावलों को पकाने में 7 मिनट लगा है। तो इसे अब हम चेक करके देखेंगे कि ये किस तरह से पका है। तो देखिए कितनी आसानी से ये इस तरह से टूट जा रहा है। इसका मतलब हमारा जो चावल है वो कम से कम हम 80% तक पक चुका है। हमें इतना ही पकाना है चावलों को। अब हम इसे छानकर अच्छे से निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर हमारे खिले खिले चावल जो है वो बनकर रेडी हो चुके हैं। तब तक हम देखते हैं हमारे प्रॉन्स हुए हैं कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर हमारे प्रॉन्स भी हो चुके हैं। तो थोड़ा सा हम इसे हाई फ्लेम करके भून लेंगे। तो यहाँ पर हमारे प्रॉन्स रेडी हो चुके हैं। इसमें डाल देंगे हम हरा धनिया बारीक कटा हुआ,
और एक पैन लेंगे, इसमें डालेंगे हम बिरिस्ता फ्राई किया हुआ ऑयल, इसमें डाल देंगे हम हमारे पके हुए बिरयानी के चावल, एक लेयर लगा देंगे उसकी हम, इसमें डालेंगे हरा धनिया और हमारे जो प्रॉन्स की ग्रेवी है और प्रॉन्स है वो डाल देंगे। तो हम यहाँ पर जो है तीन लेयर करने वाले हैं, एक चावल, एक प्रॉन्स ग्रेवी और एक चावल। अब इस पर हम चावल के लेयर लगा देंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारे चावल कितने खिले खिले बने हैं। अब इस पर हम डाल देंगे येलो फूड कलर, ताजा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इस पर डाल देंगे हम हमारा बिरिस्ता। अब हम इसमें ऑयल डाल देंगे जिसमें हमने बिरिस्ता को फ्राई किया था। अब हम ढक के इसे 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर दम देंगे। तो 15 मिनट हो चुके हैं और हमारा दम पर बिरयानी जो है वो बनकर रेडी हो चुका है, खिले खिले प्रॉन्स बिरयानी बनकर रेडी है। तो अब हम इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमारे यम्मी टेस्टी प्रॉन्स बिरयानी बनकर रेडी है। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। तो मिलते हैं मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।